अस्सलाम वालेकुम, मैं सबिया हुसैन शेख, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। नई मुंबई के एपीएमसी मार्केट में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से हड़कंप मच गया है। इसके बाद यहाँ की फल और भाजी मार्केट, कांदा बटाटा मार्केट, मसाला और अनाज मार्केट को 14 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि फ्रूट मार्केट के एक सुरक्षा अधिकारी को कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद ये आदेश नई मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के स्वास्थ्य अधिकारी बाड़ा साहिब सोनावने ने एपीएमसी पुलिस स्टेशन में एक लेटर भेजा है और कहा है कि एपीएमसी की सभी फल भाजी, कांदा बटाटा और मसाला अनाज बाजार को 14 दिन के लिए बंद किया जाए और इन बाजारों की तरफ जाने वाले सभी रास्तों को बैरिकेड किया जाए और सभी वाहनों को वहां जाने से रोका जाए। हम आपको बता दें, नई मुंबई में कोरोना के 230 पॉजिटिव मरीज हैं, जिनमें 29 लोग ठीक हो चुके हैं और 5 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं नई मुंबई में कोरोना के 24 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें वाशी में 6, तुरबा में 7, कोपरखेरना में 3, घनसोली में 1, एरोली में 3 और दीघा में 4 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।